मीरवाइज मौलवी उमर फारूक एनआईए के सामने पेश होने के लिए पहुंचे दिल्ली। मीरवाइज के हमरा दूसरे लीडरान भी मौजूद। रियासती इंतजामिया ने सियासी जमातों की शिकायत के बाद उठाया कदम। 400 से जायद सियासी लीडरान की सिक्योरिटी की गई बहाल। रियासत में सियासी पार्टियों की मुहिम शद्दोमत से जारी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह आज करेंगे जम्मू का दौरा। 3 जगहों पर इंतखाबी रैलियों से करेंगे खिताब। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी खेल के मैदान में आजमा रही हैं हुनर। श्रीनगर में फेंसिंग के जरिए तलबा दिखा रही हैं खूब दमखम। लद्दाख में फौज की जानिब से कराकरम रेंज में बाइक रैली का इनेकाद। मुश्किल रास्तों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं जवान। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपका मेजबान आसिफ रशीद। और अब पेश है खबरों की तफसील। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक को जहां कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने दिल्ली तलब किया था, वहीं आज सुबह श्रीनगर की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मीरवाइज कश्मीर दूसरे हुर्रियत लीडरान समेत नई दिल्ली के लिए रवाना हुए और अब से कुछ देर पहले वो दिल्ली पहुंच गए। मीरवाइज उमर फारूक एनआईए कोर्ट के सामने आज सुबह 10:30 बजे पेश हुए। दूसरी जानिब कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने अलहदगी पसंद रहनुमा और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी के फर्जंद डॉक्टर नईम गिलानी को भी पूछताछ के लिए एजेंसी के हेडक्वार्टर नई दिल्ली तलब किया है। पेशे से डॉक्टर नईम गिलानी को कल के रोज एनआईए हेडक्वार्टर में हाजिर होने के लिए कहा गया है। लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिलन ने कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरे मुल्क की अवाम यकजुबान है और फोर्सेस की हम आहंगी की बदौलत मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन में मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही है। उनने मजीद कहा कि वालदेन से मैं अपील करता हूं कि वह अपने बच्चों को मिलिटेंसी के रास्ते से दूर रखकर उनका रोशन मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करें। सी, जो कल का एनकाउंटर जो शोपियां में हुआ है, जिसके बारे में 2 मिलिटेंट उसमें मारे गए हैं और उसमें से एक लड़का जो था वो टेक्निकल ग्रेजुएट था और अभी 3 अप्रैल को उसने तंजीम ज्वाइन की थी और 3 अप्रैल को तंजीम ज्वाइन करता है बच्चा और 7 अप्रैल को मारा जाता है। तो दिस टेक्स मी बैक टू द सेम पॉइंट विच आई हैव बीन रिपीटिंग अगेन एंड अगेन दैट माई रिक्वेस्ट टू ऑल द मदर्स ऑफ कश्मीर, प्लीज अपने बच्चों को इस कार्रवाई में मत जाने दीजिए, इनको रोकिए। इतना बड़ा बच्चा आपने किया है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है, उसको एक टेक्निकल ग्रेजुएट बनाया है और फिर वो बच्चा 3 दिन के बाद खत्म हो जाता है। क्या यही कश्मीर के यूथ का फ्यूचर है? क्या यही हम देखने के लिए इतने दिनों से इसकी चीज में लगे हुए हैं? तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज प्लीज थ्रू यू आई वुड लाइक टू से इट अगेन, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बॉयज हु आर ज्वाइनिंग तंजीम्स टू सरेंडर एंड आई विल रिक्वेस्ट द मदर्स स्पेशली टू प्लीज टेल देम टू सरेंडर। एंड आफ्टर माई लास्ट अपील टू द मदर्स देर हैज बीन पॉजिटिव रिस्पॉन्स। There are a lot of boys who are approaching us and few of them have been rehabilitated also. See, fighting the malaise of terrorism is a whole of nations approach. So police is doing their own job, central armed police forces are doing their own job, intelligence agencies are doing their own job and army has a role to play. So it's a complete coordinated effort of all the forces and all the security agencies including the intelligence agencies that we have to fight terrorism. So it's a whole of nation approach, it's a whole of forces approach. There is no इंतजामिया की जानिब से रियासत के 400 से जायद लीडरान की सिक्योरिटी को बहाल कर दिया गया है। पुलवामा हमले के बाद रियासती इंतजामिया ने एक फैसले के तहत 900 से जायद लोगों की सिक्योरिटी हटा ली थी, जिसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस फैसले की नुक्ताचीनी भी की थी। इस मामले पर रियासत की सियासी जमातों ने इंतखाबी कमीशन से शिकायत की थी कि इंतखाबात के दौरान इस फैसले से कुछ मखसूस लीडरान की जान को खतरा बढ़ गया है और यह इंतखाबी अमल को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि सनीचर के रोज श्रीनगर में एक आलसती मीटिंग तलब हुई थी जहां रियासत की सिक्योरिटी हालात पर बात हुई थी, जिसके बाद इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है। तो 900 से जायद लीडरान की
सिक्योरिटी वापस ली गई थी, विड्रॉ की गई थी और उसके बाद अब सिक्योरिटी के हवाले से गवर्नर इंतजामिया की जानिब से एक मीटिंग भी बुलाई गई थी। शनिचर के रोज गवर्नर सत्यपाल मलिक की सदारत में मीटिंग हुई थी, जिस दौरान यह फैसला लिया गया है कि 400 से जायद लीडरान जो है उनको इंतखाबात को देखते हुए या उनके सिक्योरिटी को देखते हुए वापस जो सिक्योरिटी है वो बहाल कर दी गई है। दिफाई तज्जिया निगार जयबांस सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत शुक्रिया जयबांस जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, पहले इन्हीं 900 लोगों की सिक्योरिटी हटाना और वापस अब इंतजामिया की तरफ से, आखिर इंतजामिया को कहां पे कोई क्या कोई कमी महसूस हुई है जिसके चलते दोबारा ये फैसला लिया गया गवर्नर साहब की तरफ से? देखिए, मैंने काफी काम किया है जम्मू कश्मीर में, जब मैं फौज में था, अदरवाइज मैं वहां बहुत जाता हूं, तो काफी देर से मेरा ये ओपिनियन रहा है कि अननेसेसरी सिक्योरिटी बहुत लोगों को दे रखी है। कोई ऐसी वो जो सिक्योरिटी दे रखी है वो किसी थ्रेट परसेप्शन पर बेस्ड नहीं है। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटी को रिमूव करना वॉज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और पूरी तरह से रिमूव ना करो, कम तो डेफिनेटली हो ही सकती थी। पर अभी जो ये बहरहाल में दोबारा से इन्होंने डिसीजन ली है, इसको मैं इस तरीके से देखता हूं कि इलेक्शन जो है उसको बहुत एक अच्छी एनवायरनमेंट में कराना, फ्री और फेयर एनवायरनमेंट में कराना जम्मू कश्मीर में, ये बहुत ही नहायत ही जरूरी है। तो उस हालात में इस टाइम पर तो वहां कुछ ऐसा माहौल होगा जो कि मैं जानता हूं कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे पूरे गांव को हर इंसान की सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज्यादा महफूज होगी और बहुत कंसर्न होगी। और इन कंडीशंस में जो कुछ वहां के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर उनको थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी दे दी जाए तो मेरे ख्याल इट इज अ वेरी वाइज डिसीजन, ये अच्छी डिसीजन है। पर बाद में इस डिसीजन को वापस ले लेना चाहिए इलेक्शन के बाद। चलिए, बहुत शुक्रिया जयबान सिंह जी। तो रियासती इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया, इस पर जयबान सिंह हमारे साथ बात कर रहे थे। और अब आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बीजेपी की जानिब से इंतखाबी मंशूर जारी किया जाना है अब से कुछ देर बाद। तमाम बड़े लीडरान जो हैं वो इस वक्त हेड ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के वहां पहुंच चुके हैं। सीधा आपको दिल्ली लिए चलते हैं, बीजेपी के हेड ऑफिस। तो कांग्रेस ने कुछ दिन पहले अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया था और अब भारतीय जनता पार्टी की जानिब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इस दौरान तकरीब में मौजूद, और उनके साथ साथ तमाम जो बड़े पार्टी के वजीर हैं वो भी इस मौके पर मौजूद हैं। और इंतखाबी मंशूर जो है 2019 के आम इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी की जानिब से अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। तो किसानों के लिए कांग्रेस की तरफ से बात की गई थी, नौजवानों के रोजगार के हवाले से बात की गई थी, मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से बात की गई थी, पाकिस्तान के साथ बातचीत, दफा 370, ये तमाम मामला, इन पर कांग्रेस की तरफ से अपने इंतखाबी मंशूर में बात की गई थी। तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सी बड़ी बातें हैं, कौन से बड़े वायदे हैं जो अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर हुकूमत बनती है तो करने वाली है, और अब से कुछ देर बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंतखाबी मंशूर के जरिए तमाम तर वायदे जो हैं अवाम के सामने रखे जाएंगे। वजीर दाखला राजनाथ सिंह, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस वक्त मौजूद, साथ ही साथ कौमी सदर अमित शाह और दीगर तमाम लीडरान जिनमें सुषमा स्वराज भी मौजूद हैं इस वक्त स्टेज पर वजीर आजम के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। मंच पर उपस्थित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, भारत सरकार के गृहमंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी, देश के वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, श्रीमान रामलाल जी, भाई भूपेंद्र यादव जी, और आज यहां पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों और बहनों, आज कुछ ही क्षण के बाद श्रीमान राजनाथ सिंह जी 2019 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र लेकर
आपके सामने उपस्थित होंगे। मैं आज आपको 2014 की याद दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त के तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाकर लोगों के सामने आई थी। उस वक्त हम एक संकल्प पत्र और भारतीय जनता पार्टी का देश 14 से 19 किस तरह से चलेगा इसका विजन लेकर हम आपके सामने आए थे और 2014 में हमारी बात का सम्मान रखते हुए इस महान देश की जनता ने ऐतिहासिक जनादेश दिया था। देश में 30 साल के बाद पहली बार अस्थिरता के दौर को खत्म करते हुए एक पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई और एनडीए ने की सरकार ने अपना कामकाज मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि 2014 से 2019 की यात्रा जब कभी भी भारत के डेवलपमेंट का, भारत के विकास का और भारत की दुनिया में साख बढ़ने का इतिहास लिखा जाएगा, ये 5 साल सुवर्ण अक्षरों से अंकित करने पड़ेंगे। इस प्रकार से कार्यकाल को हम समाप्त कर आज देश की जनता के सामने फिर से जा रहे हैं। इस 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में एक निर्णायक सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 5 साल के अंदर 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को साच अर्थ में उठाने के लिए एक भगीरथ सफल प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। गैस के सिलेंडर, घर, बिजली, शौचालय, स्वास्थ्य, ये बुनियादी चीजों को, बुनियादी जरूरियतों को लोगों तक पहुंचाने में जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को सफलता मिली है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसका बारीकी से संवेदना के साथ ध्यान रखते हुए हर गरीब के पास ये सुविधाएं पहुंचे इसका प्रयास किया है और ये सफल प्रयास है। आज देश के अधिकांश घरों में बिजली पहुंच चुकी है, 8 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने हैं, 7 करोड़ गरीबों के घर में गैस पहुंच चुके हैं, 2.5 करोड़ लोगों को घर का अलॉटमेंट हो चुका है, 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य को संभालने वाली प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लेकर हम आगे बढ़े, 12 करोड़ किसानों को इनपुट सपोर्ट देने की वैज्ञानिक व्यवस्था सीधे इसके मोबाइल पर 6,000 रुपया ट्रांसफर हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करें। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंसीडर करना पड़े, दुनिया भर के अर्थ जगत के पंडितों को कंसीडर करना पड़े, इस तरह का सुधार नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज सारे फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आंकड़े 4 कॉर्नर्स के अंदर है और बहुत अच्छे तरह से देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम सिर्फ 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था जब 14 में जनादेश मिला तो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 11वें नंबर पर थी, आज वहां से बढ़कर 5 ही साल में 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था बने हैं और द्रुत गति से 5वें नंबर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और ढेर सारे कदम भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से जो इस देश के अंदर विगत 30 सालों से आतंक फैलाकर दूर से देखकर आनंद लेते थे, आतंकवाद का मूल जहां पर है वो मूल पर घा करने की नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई और इसके कारण आज 125 करोड़ का यह देश अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। न केवल देश, पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश गया है कि भारत की सीमाओं के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता,
भारत को कोई हल्के से नहीं ले सकता, ये संदेश भेजने में नरेंद्र मोदी सरकार सफल रही है। दुनिया में देश का गौरव आज आसमान को छू रहा है। एक जमाना था जब पूरी दुनिया में भारत कोई मैटर नहीं करता था। 2004 से 2014 10 साल के कालखंड में भारत का गौरव दुनिया के अंदर धीरे 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 नीचे जाता था। ये 5 साल के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो, देश के प्रधानमंत्री की सोच क्या है, देश के प्रधानमंत्री का रुख क्या है, भारत सरकार का मंतव्य क्या है, इसके मायने पूरे देश पूरी दुनिया के अंदर बहुत बदले हुए नजर आते हैं। मैं मानता हूं इस बात के साथ देश के 125 करोड़ लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को जोड़ रहे हैं और हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक भी घपला घोटाला भ्रष्टाचार इसका आरोप भी न लगे, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार चली है। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले स्कैम एक के बाद एक स्कैम की सीरीज के बाद जो सरकार बनी, इसने प्रामाणिक सरकार कैसी हो सकती है, एक पारदर्शी सरकार कैसी हो सकती है, उसका उदाहरण देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, आज देश दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभरा है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति के नाते अपनी पहचान को कायम कर, हर भारतीय कोई दिन का इंतजार था। 70 साल हो गए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया के फैसलों में हमारी कोई भूमिका नहीं होती थी। आज भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। मैं मानता हूं आने वाले दिनों के अंदर ये बात और आगे बढ़ने वाली है। मैं 5 साल के अंदर इस सरकार ने कई कदम उठाए, सबका जिक्र करना नहीं चाहता क्योंकि आज का विषय हम आगे क्या करेंगे, परंतु इतना जरूर बताना चाहता हूं मित्रों, जिन लोगों को भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्टडी है उनको मालूम होगा काम करना कितना कठिन होता है, और खास करके फेडरल स्ट्रक्चर वाली कंट्री के अंदर। इसी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जहां कोई सरकार 30 साल काम करे तो 4-5 बड़े फैसले ले सकती है, नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 साल के अंदर 50 से ज्यादा बड़े कदम उठाए हैं जो इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं। मैं मानता हूं कि 5 साल हमारे भारत के विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे। 2014 के जनादेश का अगर एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो 2014 का जनादेश कांग्रेस से, जो कांग्रेस का शासन, यूपीए का शासन, कांग्रेस के साथियों का शासन, सो कोल्ड गठबंधन वालों का जो शासन था, वो शासन से जो निराशा जन्मी थी, वो निराशा ने नरेंद्र मोदी में एक आशा देखी थी और ये आशा को जनादेश में जनता ने परिवर्तित किया था। और 2014 से 2019 तक ये जो यात्रा चली है, देश का जिस प्रकार से चहुमुखी विकास हुआ है, देश की आशा अब अपेक्षा में बदल चुकी है। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है, अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूं 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है और मैं बड़ा विश्वास के साथ कहता हूं मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही सक्षम है 125 करोड़ देश की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए, विशेषकर देश के युवाओं की अपेक्षा की पूर्ति करने के लिए, उनकी अपेक्षा का भारत बनाने के लिए। लोगों को अपेक्षा है देश का टॉप 5 इकोनॉमी में आ सकता है। देश के गरीबों को अपेक्षा जगी है कि हमें गैस मिल गया, घर मिल गया, बिजली मिल गई, शौचालय मिल गया, स्वास्थ्य की योजनाएं मिल गई, अब आगे पर भी हमारा जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है क्या। किसानों को आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा है। देश आतंकवाद से केवल मुक्त न हो, आतंकवादी देश के ओर देखने की हिम्मत न करे, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने की जनता को अपेक्षा है।
कश्मीर समस्या के स्थायी समाधान की अपेक्षा है और देश दुनिया में महाशक्ति बनकर अपना स्थान हमेशा के लिए सुनिश्चित करे इसकी भी अपेक्षा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र जो आने वाला है इस सारी अपेक्षाओं को पूरा करने का एक दस्तावेज बनकर एक डॉक्यूमेंट बनकर लोगों के सामने हम रखने जा रहे हैं। मोदी जी ने देश के सामने आजादी के जब 75 साल समाप्त होंगे 2022 में तब देश कैसा हो इसका एक विजन रखा है और वो विजन के हिसाब से 2022 में हम 75 साल के समय 75 संकल्प लेकर देश की जनता के सामने जा रहे हैं कि 2022 में ये 75 संकल्पों को पूरा कर जब देश आजादी की 75वीं सालगिरह मनाता होगा इतनी समस्या से संपूर्ण रूप से देश को मुक्त करने का वचन लेकर संकल्प लेकर हम लोगों के सामने जाने वाले हैं। सबसे बड़ी मोदी सरकार की सिद्धि है हमने सोचने का स्केल बदला है। पहले योजनाएं बनती थी इतना हजार घर बना देंगे इतने लाख टॉयलेट बना देंगे अब हरेक को घर देंगे हरेक को टॉयलेट देंगे हरेक को गैस देंगे हरेक को बिजली देंगे हरेक के स्वास्थ्य की सुविधा करेंगे। देश का सोचने का स्केल बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कहा है जिसकी देश की जनता राह से आज ये संकल्प पत्र की घोषणा हमारे संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष देश के गृहमंत्री भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान राजनाथ सिंह जी करने वाले हैं। कई सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर अलग अलग क्षेत्र के तज्ञों के साथ चर्चा कर एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर और भारत के मन की बात के माध्यम से लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का भागीदारी कर एक संकल्प पत्र को बनाया गया है। मैं मानता हूं दुनिया भर की डेमोक्रेटिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है कि कोई पार्टी अपना संकल्प पत्र 6 करोड़ लोगों के साथ चर्चा कर बनाता है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मित्रों मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प पत्र लेकर आपके मन की बात संकल्प पत्र में समाहित कर आपके सामने आती है आने वाली है। इस वक्त मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने 2014 में मोदी जी को आशीर्वाद दिया था 2014 से 2019 तक हमने आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप काम किया है। कई चीजें जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं भी थी उसको आगे ले जाने का काम किया है। आप एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथीदारों को आशीर्वाद दीजिए। हम एक मजबूत सरकार देने का वादा करते हैं हम एक निर्णायक सरकार देने का वादा करते हैं एक पारदर्शी और संवेदनशील सरकार देने का वादा करते हैं। मुझे भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे दल साथ में मिलकर जनता की अपेक्षा का भारत बनाने में हम सफल होंगे। पूरे देश भर में जहां जहां जाते हैं फिर एक बार मोदी सरकार का उद्घोष जनता में से सुनाई पड़ता है जो व्याख्यायित करता है लोगों की अपेक्षाओं को और ये अपेक्षाओं की पूर्ति का चुनाव है। ये अपेक्षाओं की पूर्ति मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जरूर करेगी मुझे इसकी पूर्ण आशा है और आप सबसे भी अपेक्षा है कि चुनाव के ये संकल्प पत्र को आप हमारी स्पिरिट को हमारी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेंगे। ये बात कर मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह अपनी सरकार की तरफ से आने वाले 5 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो तमाम जो काम सरकार की तरफ से किए जाएंगे वायदे अब से कुछ देर बाद मजीद किस तरह के वायदे आवाम के साथ किए जाएंगे वो वजीर दाखला राजनाथ सिंह की जानिब से इंतखाबी मंशूर जो है भारतीय जनता पार्टी का जारी करेंगे और अमित शाह के मुताबिक मुल्क को एक बेहतरीन सरकार मिलने वाली है। उनने दावा किया कि वो एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जो तमाम अवामी मसाइल हैं उनको सुनेंगे। इससे पहले काम किए गए हैं और इसके बाद भी
तमाम तर काम जो है आवाम के वो सुने जाएंगे, वो हुकूमत बनेगी जो आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। साथ ही साथ सरकार की जानिब से जो स्कीमें मरकज की जानिब से शुरू की गई थी उनके मुताबिक आवाम को जो जो फायदे पहुंचे हैं, अपनी कामयाबियां हैं, वो उनकी तरफ से गिनवाई हैं। थोड़ी देर में फिर हाजिर होंगे।